अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जैनब और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10 साल से गायनी डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पॉलीहाइड्रोमियोस, यानी माँ के पेट में बच्चे का पानी क्यों ज़्यादा हो जाता है, उसकी क्या वजूहत हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और से सुनिएगा और एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी का ज़्यादा हो जाना माँ के पेट में जब हमल होता है तो उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल एक पानी जो है वो ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की खुराक के लिए, बच्चे की ऑप्टिमल उसके लिए हर चीज़ के लिए। लेकिन अगर यही पानी कम या ज़्यादा हो जाए तो ये एबनॉर्मेलिटी बन जाती है और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। उस पानी की वजूहत से पहले हम ये देखेंगे अलामत क्या होती हैं। ख्वातीन हमारे पास आती हैं जब उन्होंने शुरू में चेकअप नहीं करवाया होता तो पेट जो है वो सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, जो पेट की जो साख्त है वो जैसे उसने अगर पहले बच्चे पैदा किए तो कहती है कि मेरा अब पेट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है जैसे मेरे एक नहीं दो बच्चे हैं। तो पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस पानी के ज़्यादा होने की वजह से। तो पेट में दर्द होना, पेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पेट का टाइट हो जाना, ये सारी अलामत हैं जिस साथ खातून प्रेजेंट कर सकती है। अक्सर कोई अलामत नहीं होती, अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि माँ जो है ना बच्चे का पानी ज़्यादा है। अल्ट्रासाउंड पे कैसे पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड पे हम बाकायदा इसको मेजर करते हैं, इसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं। और अगर ये 22 या 25 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये बच्चे का पानी ज़्यादा है। इसकी भी फिर आगे कैटेगरीज होती हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 35 से भी ऊपर हो तो हम कहते हैं कि ये सीवियर फॉर्म है। इसकी वजूहत मुख्तलिफ हैं, बच्चे की वजूहत हो सकती हैं फीटल काजेज, मेटरनल काजेज यानी मदर की वजूहत हो सकती हैं, प्लेसेंटल काजेज हो सकती हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे माँ का। माँ को अगर शुगर हो, ये बहुत कॉमन वजह है, पता नहीं चलता, पहली बार पता चलता है हमल में कि माँ को शुगर है, उस शुगर की वजह से बच्चे का पानी बढ़ जाता है और बच्चे का अपना ओवरऑल साइज भी बढ़ जाता है लेकिन पानी भी बढ़ जाता है। तो माँ में शुगर का होना या ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी होना, यानी कि माँ का जो ब्लड का ग्रुप है वो उससे हमें पता चलता है कि वो जो है उसने उसका जो है स्टेटस चेक किया है या नहीं किया, या माँ में कोई इन्फेक्शन हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे का पानी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो बच्चे में वजूहत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे के सर से लेकर पाँव तक, यानी कि बच्चे के सर में कोई ट्यूमर हो सकता है, बच्चे की जो खुराक की नाली है इसोफेजियल एट्रेसिया वो बंद हो सकती है, या बच्चे को कोई दिल की तकलीफ हो सकती है, या बच्चे की जो पेट है उसकी बनावट ही नहीं बनी, जिसे हम कहते हैं कि उसकी जो आंते हैं या पेट है वो बना ही नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे, या बच्चे का जो पेशाब की नाली है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन गया है, वो सुराख ही बंद हो गया है जहाँ से उस पानी ने बाहर जाके दोबारा उसको रिसाइकल होना है। तो ये बच्चे में इसे हम कहते हैं पैदाइशी नुक्स होना। ये 5 महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है 20 वीक पे नॉर्मली स्कैन, उसमें अक्सर बच्चे में ये नुक्स पता चल जाते हैं। तो बच्चे में ये वजूहत हैं। इसके अलावा प्लेसेंटल काजेज हो सकते हैं जिन्हें हम ऑटो इम्यून काजेज कहते हैं, यानी कि जेनेटिक कोई सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जेनेटिक काजेज हो सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसको घर में डील नहीं करना होता। नंबर दो पे जब आपकी डॉक्टर ने आपको बता दिया कि बच्चे का पानी ज़्यादा है तो वो वजूहत डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकती है, किसी मुस्तैद डॉक्टर से चेकअप करवाएं, वो आपके खातून के अगर है ब्लड टेस्ट करवाएंगी, शुगर के सारे टेस्ट करवाएंगी, HbA1c करवाएंगी कि 3 महीने की शुगर पीछे की कंट्रोल है या नहीं है, और अगर पहले से शुगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पानी को बच्चे कंट्रोल करने के लिए पहले शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे वो खातून का ब्लड ग्रुप करवाया जाएगा और RH स्टेटस करवाया जाएगा कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो क्या NTD लगा है या नहीं लगा। तीसरे नंबर पे बात आती है बच्चे में जब हम अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट से करवाते हैं, नॉर्मली स्कैन करवाते हैं, तो हमें अगर बच्चे में कोई नुक्स आ रहा है तो हम फीटल मेडिसिन यानी कि बच्चों के जो स्पेशलिस्ट एक शोभा है उनकी मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं कि हाँ ये बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है बच्चे के नुक्स को या नहीं किया जा सकता, या आपकी डॉक्टर या आपको मशवरा दे सकती है। लास्ट में आती है ऑटो इम्यून कंडीशन या प्लेसेंटल काजेस, उनको भी अकॉर्डिंगली डील किया जाता है कि अगर इन्फेक्शन आ रहे हैं तो इन्फेक्शन को अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। बात यह है कि अगर बच्चे का पानी ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे है, क्योंकि अगर ये डिलीवरी वक्त से पहले दर्दने लग जाने का खतरा है, वाटर बैग लीक होने का खतरा है क्योंकि प्रेशर होता है पेट के ऊपर। अब जब वाटर बैग लीक होगा बच्चे की पोजीशन चेंज हो सकती है, बच्चा सीधा है तो उल्टा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, बच्चे की आमल फट सकती है, अब्रप्शन हो सकती है, बच्चे का जो कार्ड है जो बच्चे की नाड़ू गर्दन के चिपक सकती है, या कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है जो कि एक्यूट इमरजेंसी है बच्चे के पेट में, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद PPI यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। तो इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को फौरन से अगर खातून देहात में है या उसके पास में कोई अच्छा हॉस्पिटल या सेटअप नहीं है तो उसको रेफर करना चाहिए टर्शियरी केयर सेंटर में, किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में।
ताकि टाइमली डिलीवरी की जा सके, और इसमें डिलीवरी में भी ज्यादा चांस होता है कि ऑपरेटिव डिलीवरी होगी यानी कि सी सेक्शन में रिजल्ट एंड अप हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे की जो है ना कंडीशन को देखते हुए ऑपरेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर ये सारी खतरों का तभी पता चलेगा जब ये खातून जो है वो अपना चेकअप एंटीनेटल चेकअप करवाएगी, डॉक्टर के पास आएगी, अपने टेस्ट करवाएगी, और उसको रीजन भी तभी पता चल सकता है। तो मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि हर खातून को मिनिमम 3 विजिट जरूर डॉक्टर को करवाने चाहिए हमल के दौरान, और मैक्सिमम 9 विजिट होते हैं, मंथली विजिट होते हैं। तो अगर आप हर महीने चेकअप करवाएंगे तो आपके ये बच्चे का पानी कम होना या ज्यादा होना ये जल्दी डायग्नोज हो जाएगा, क्योंकि अक्सर कोई अलामत नहीं होती, और जब ये डायग्नोज हो जाएगा तो उसकी रीजन भी डॉक्टर आपको ढूंढकर बता देंगी और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे देंगी। तो आप एक माँ और बच्चा सेहतमंद रह सकते हैं अगर टाइमली उनको ट्रीट किया जा सके। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको टाइमली जवाब देने की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।